अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, ये क्लास सेवन्थ जो है इंग्लिश सब्जेक्ट का की जो पोएम है ट्रीज, उसके आज जो टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं वो हम आज करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चंस जो कि हमने कल ये पढ़ी है, आज हम क्वेश्चंस इसके करेंगे। क्वेश्चंस इस तरह है इसके, क्वेश्चन नंबर वन जो है दैट इज व्हाट डज द पोएट कंपेयर्स अ ट्री विथ। पोएट जो है वो ट्री को किसके साथ मुवाजना करता है, ट्री का मुकाबला किसके साथ करता है इस पोएम में। द पोएट कंपेयर्स अ ट्री विथ अ पोएम। पोएट जो है, शायर जो है, वो इस पोएम में ट्री का मुकाबला या ट्री का मुवाजना पोएम के साथ करता है, ट्री का मुकाबला पोएम के साथ करता है। द पोएट कंपेयर्स अ ट्री विथ अ पोएम। क्वेश्चन नंबर टू, What does the tree look at all day? इसका आंसर है the tree look at God all day because they are always in prayer. क्वेश्चन इस तरह है, What does the tree look at all day? ट्री किसकी तरफ, किन की तरफ, किसकी तरफ पूरे दिन देखता है। ट्री जो है, the tree look at God. ट्री दरख्त जो है वो अल्लाह की तरफ, अल्लाह की तरफ देखता है पूरे दिन, क्योंकि वो पूरे दिन वो या हमेशा वो इबादत में होता है, प्रेम में होता है। नंबर थ्री, हाउ डज द ट्री प्रे। ट्री किस तरह इबादत करता है, ट्री किस तरह इबादत करता है। द ट्री प्रेज बाय लिफ्टिंग हर लीफी आर्म्स। ट्रीज जो है, दरख्त जो है, वो इस तरह इबादत करता है, वो अपने जो लीफी आर्म्स जो होते हैं, उसके उसके जो पत जो जो शाखें जो होती है, पत्तों वाली शाखें जो होती है, उनको वो खड़ा करके, क्योंकि उसकी शाखें जो होते हैं वो खड़ा होती है, तो उनको शाखें वो खड़ा करके वो इबादत करती है। नंबर फोर, व्हाट डज ए ट्री वियर इन समर। समर में या मौसम में, बाहर में ट्री क्या पहनती है। तो इन समर ट्री वियर्स नेस्टस टू मेक इट मोर ब्यूटिफुल। पोएम में ये लिखा गया है कि समर में या मौसम में, बाहर में, गर्मी के मौसम में, दरख्त जो है, परिंदे उन दरख्तों के ब्रांचों पे नेस्टस बनाते हैं, घोंसले बनाते हैं, जिनसे ट्रीज जो होते हैं वो मोर ब्यूटीफुल बनते हैं, ट्रीज ज़्यादा खूबसूरत बनते हैं। तो इट मीन्स इन समर ट्रीज वियर नेस्टस टू वियर इट नेस्टस टू मेक इट मोर ब्यूटीफुल। समर में ट्रीज जो है वो घोंसले पहनते हैं, उससे जिससे वो ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा खूबसूरत बनते हैं। उसकी लैंग्वेज वर्क इस तरह है, लैंग्वेज वर्क में है ट्रू फॉल्स। हमें जो ट्रू सेंटेंस होगा उसको टी लगाना है, और जो फॉल्स होगा उसको एफ लगाना है, फॉल्स लगाना है। द पोएट शैल नेवर सी अ पोएम लवली एज अ ट्री। तो पोएट ये कह रहा है कि मैं जो पोएम जो है, पोएम मैं कभी ऐसी इतनी खूबसूरत नहीं देखूंगा जितनी कि एक ट्री होती है, क्योंकि ट्री जो है वो अल्लाह बनाता है। तो ये एज पर दिस पोएम, ये ट्रू सेंटेंस है, तो इस जो मैंने यहाँ पे टी लगाया है। नंबर टू जो है, पोएम्स आर नॉट मेड बाई फूल्स लाइक द पोएट। पोएम्स आर नॉट मेड बाई फूल्स लाइक द पोएट। मगर क्वेश्चन पोएम इस तरह है, पोएम्स आर मेड बाई फूल्स लाइक पोएट, तो यहाँ पे नॉट लिखा गया है, इसका मतलब है ये फॉल्स है। नंबर थ्री, या सी, ओनली गॉड कैन मेक ए ट्री। ओनली गॉड कैन मेक ए ट्री। क्वेश्चन पोएम में भी यही ऐसा ही लिखा गया है, ओनली गॉड कैन मेक ए ट्री, तो इसलिए ये ट्रू है। द ट्री डज नॉट लाइक रैन। ट्री डज नॉट लाइक रैन, ये गलत है, ये फॉल्स है, तो एफ मैंने लगा है, क्योंकि ट्री जो है, ट्री को पानी की, बारिश की जरूरत होती है। विदाउट रैन ट्री जो है वो नहीं ग्रो करेगा, तो इसको ट्री की, इसको बारिश की जरूरत होती है, इसलिए ये फॉल्स है। ए ट्री लुक्स एट गॉड ऑल डे। ट्री पूरे दिन अल्लाह की तरफ देखता है, ये भी ठीक है। इसमें जो कुछ राइमिंग वर्ड्स है, राइमिंग वर्ड्स मीन्स ऐसे वर्ड्स जो सेंटेंस जो इस वर्ड्स के आखिर पे होता है, दो या शार या वर्स के आखिर पे होता है, जिनकी साउंड्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं, सिमिलर साउंड्स वाले वर्ड्स को राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। इसमें राइमिंग वर्ड जो है वो सी है, ट्री है, प्रेस्ड है, ब्रेस्ट है, डे है, प्रे है, वियर, हियर, लैन, रैन, मी, ट्री, ये राइमिंग वर्ड्स है। राइमिंग वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी साउंड सिमिलर होते हैं।
तो उनको राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। ये इसकी पूरी एक्सरसाइज है, तो ये आप अपनी कॉपी पर लिखना। शुक्रिया।